लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। कर लीजिए मेजर साहब, जो बार बार कहा जाता है कि पीओके ले लेंगे और आजाद कश्मीर ले लेंगे, इससे भी आपको नहीं लगता कि एक तरह की टेंशन जो है वो पैदा की जा रही है? आरजू जी, ये हमारी पार्लियामेंट, ये हमारी पार्लियामेंट में अग्री हुआ था 1994 में। तो अगर राजनाथ सिंह जी बोले कि हम पीओके ले लेंगे, वो एक बात रिपीट कर रहे हैं। ये हमारी पार्लियामेंट में लिखा, ये हमारी पार्लियामेंट में ये पास हुआ था, ये पार्लियामेंट की एक अंडरस्टैंडिंग है हमारी, इट इज ऑन रिकॉर्ड्स, आप जाके इंटरनेट पे चेक कर सकती हैं। ये कोई पाकिस्तान को बुरा भला कहने के लिए, पाकिस्तानियों को बुरी बात कहने के लिए, या कुछ ऐसी जिसको जारियत की बात है, इसके लिए नहीं कहा गया है। ये है, ये डॉक्यूमेंट है, और हमारी पार्लियामेंट का डॉक्यूमेंट, हमारे यहाँ ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ कोई मिलिट्री डिक्टेटर नहीं है। तो हमारे यहाँ जो भी चीज होती है वो सर्वसहमति से होती है, यानी कि सब लोग मिलजुल के उसके ऊपर 10 साल बहस करेंगे, 10 साल बहस करेंगे, एक दूसरे को दाएं बाएं कहेंगे, लेकिन उसके बाद आरजू जी वो जो निकल के आता है ना, फिर उसमें सब साइन ऑफ करते हैं। सारी पॉलिटिकल पार्टीज, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है भारत में जो ये कहती है कि हमें ऐसा नहीं करना। ये भारत का एक ऑफिशियल स्टैंड है, ये कोई जिसको कहते हैं जारियत वाली बात नहीं है कि हम अटैक कर देंगे और हम नस्त नाबूद कर, जैसे लोग फिल्मी स्टाइल में कभी कभी दाग देते हैं टेलीविजन पे, गोलियां हवाई फायर कर देते हैं, ये वो बात नहीं है। ये हमारे पार्लियामेंट में है, ये हमारे पार्लियामेंट में लिखा गया है, वहां पे है अवेलेबल। लेकिन अगर मैं चौधरी साहब, जैसे आपने मेजर साहब की बात सुनी, लेकिन बार बार ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान की तरफ से जो है वो कश्मीर में जाया जा रहा है, या यहाँ से लोग जो है जबरदस्ती इंडियन साइड कश्मीर में जा रहे हैं, ये बात कहाँ तक सही है और कहाँ तक ये कहा जाता है कि सपोर्ट कर रही है, स्टेट सपोर्ट कर रही है ऐसे लोगों को, तो उससे और हालात खराब नहीं होते हुए नजर आते आपको? देखें अर्जु, मेजर साहब कह रहे थे कि इमरान खान का, मैं आपको बताऊं, इमरान खान ने जब इलेक्शन जीता, इमरान खान ने पांच इंडिविजुअल जो दोस्त थे उनको इनवाइट किया, कपिल देव को, सुनील गावस्कर को, आमिर खान को, नवजोत सिंधु को और विक्रम मेहता को। मैं वो शख्स हूँ जिसने, मैंने और फैसल जावेद ने कोऑर्डिनेट किया और इनसे रब्ता किया। कपिल देव आना चाह रहा था, सुनील गावस्कर आना चाह रहा था, आमिर खान ने जवाब नहीं दिया था काल का, सिद्धू आना चाह रहा था। हुआ क्या कि उसके, इमरान खान के जो ओथ सेरेमनी थी उसमें सिर्फ सिद्धू आ सका, और बाकी दोनों ने जो, वो कपिल देव भी बाद में उसने फोन उठाना छोड़ दिया। बाद में जिस एक और हमारा दोस्त है जो लंदन में है, उसके थ्रू ये पता चला है जी कि गवर्नमेंट ने उन्हें कहा है जी कि आप लोग नहीं जाएंगे। ये मैं मेजर साहब की इंफॉर्मेशन के लिए इसलिए बता रहा हूँ कि जिस चीज़ का मैं खुद विटनेस हूँ कि ओथ टेकिंग सेरेमनी पे, उसके बाद इमरान खान की आप पहली स्पीच देख लें, इमरान खान ने ये कहा था कि हम हिंदुस्तान के साथ बेहतर तलाकात चाहते हैं, हम अच्छे मसाए की तरह रहना चाहते हैं, आप एक कदम उठाएंगे, हम दो उठाएंगे बेहतरी की तरफ जाने के लिए, और ये कश्मीर का मसला रिजोल्व करना पड़ेगा। मैं फिर ये कह रहा हूँ, जैसे मेजर साहब कह रहे हैं कि उनकी पार्लियामेंट कह रही है, उनकी पार्टी का ये मंशूर था, मैं इनकी सारी बातें मानता हूँ, मगर नफरत उसी सूरत में ख़त्म होगी जब बुनियादी हकूक पे आ पाएंगे। मेजर साहब अपनी तरफ से बहुत सी आर्ग्यूमेंट इस पर दे सकते हैं, मैं अपनी तरफ से दे सकता हूँ, मगर इस मसले का रिजोल्व तभी होगा जब वहाँ पे, जब आप कह रही हैं जी कि वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, सच्ची बात है आरजू के 1978-9 से जब से रशिया पहले अफगानिस्तान में आया, उसके बाद रशियंस डिफीट हुए चले गए, उसके बाद अमेरिकन्स आए, पाकिस्तान के खित्ते को, पाकिस्तान के मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए, चाहे वो अमेरिका था चाहे हिंदुस्तान था, इन्होंने बहुत कोशिश की है, जिसमें बहुत से एविडेंसेस हैं, मीडिया के एविडेंसेस हैं कि चैलेंज कहते रहे जी कि हम बलूचिस्तान को तोड़ लेंगे, मेजर साहब को खुद अल्फाज हैं जी के बलूचिस्तान में मेरे बंदे अभी काम कर रहे हैं, कल ये चीज़ होने वाली है, होती भी रही है। हकीकतन ये वो सब चीज़ें हैं कि जो पॉइंट स्कोरिंग के लिए, देखें मैं फिर ये कह रहा हूँ कि मुझे मेजर साहब से कोई नफरत नहीं है, ये इनका हिंदुस्तान में बैठे हुए एक अपना मौकफ है, वो जो चाहे वो नफरत का है जो भी है, ये मुझसे अभी 5-6 हज़ार मील दूर बैठे हुए, मुझे कोई राइट नहीं बनता कि अगर हम दोनों आपके प्रोग्राम में कि मैं कोई भी अब्यूजिव लफ्ज इस्तेमाल करूं या इन्हें बुरा भला कहूं, कि हम दोनों की ज्यूरिस्डिक्शन मुख्तलिफ है, ना हम कानूनी एक दूसरे के खिलाफ कुछ कर सकते हैं,
ना फिजिकल कर सकते, तो हमें चाहिए कि जब कम से कम इंसानियत का हमारा दायरा है उससे हम बाहर ना जाए। जो कह रहे थे कि इमरान खान ने गालियां दी, सच्ची बात है नहीं, मैं इस वजह से ये कह रहा हूँ कि आप देख लें कि इमरान खान हुकूमत में आया, दो महीने के बाद वो आपका जो कश्मीर में वाकया हुआ था वो हो गया, क्या नाम है उसका, जहां पे 40 फौजी मारे गए थे। अच्छा, फिर हुआ क्या कि हिंदुस्तान ने जब ये कहना शुरू कर दिया जी कि हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, ये सर्जिकल स्ट्राइक उस वक्त की नहीं है। अगर आप 5 साल पहले चले जाएं तो जब ये सामा बिन लादन वाला वाकया हुआ था तो उसके बाद पाकिस्तान पे प्रेशर आना शुरू हो गया था कि हिंदुस्तान अगर एक आध सर्जिकल स्ट्राइक कर लेगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, जिसमें मुशर्रफ ने कहा था ओवर माई डेड बॉडी। देखे, मसाए होने की नस्बत से हमें ये ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए जी कि हम दूसरे पे एक जाली, ये हम पे या हम इन पे कोई भी जाली सी चीज लें। तो इमरान खान ने कैटेगोरिकली कहा था कि आप ये ना करें, अगर आपने ये जो सर्जिकल स्ट्राइक कह रहे हैं अगर की तो विल रिएक्ट, हम इसका जवाब देंगे और इसको लाइट ना लें। आपके सामने फिर दूसरे दिन उन्होंने वो स्ट्राइक की, उसका जवाब मिला, ये सब टिट फॉर टैट था। जब मोदी साहब का तल्ला क्या, मोदी साहब हर जलसे में ये कहते थे कि हम इनको सबक सिखाएंगे, हम सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए हमने फलां जगह पे 300 बंदे मार दिए, फलां जगह पे हमने इतने मार दिए, और वो प्रैक्टिकल चीजें नहीं थी। वो मीडिया पे अगर मुहिमो कहते हो ना कि अगर मीडिया पे हम एक चीज कर रहे हैं, और हकीकतन इमरान खान के ये जो 3.5 साल गुजरे हैं हुकूमत के, हमने कोई चीज़ ऐसी हुकूमत हिंदुस्तान के खिलाफ ना कोई ऐसा वावेला किया है। आप हिंदुस्तान के सारे TV 10 चैनल, मुझे मैं आपने कहा है कि मैं आया हूँ, मुझे कम से कम ये जो नवाज शरीफ वाला ये 3 महीने पहले हो रहा था शहबाज शरीफ का, हर चैनल से 10-10 फोन कॉलें जरूर आ रही हैं कि हम आप लोग चैनल पे आए, हम खुदा के लिए 2 मिनट 4 मिनट, वो इसकी वजह से क्या दबाना चाह रहे हैं आपको ना। मैं इस बात का जवाब ले लेती हूँ चौधरी साहब, पहले मेजर साहब से फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी मेजर साहब, वाकई में ऐसा कुछ किया आप लोगों ने कि वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की तरफ से जो है वो साजिश की गई? दो चीजें अर्जु जी, पहले आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं चौधरी साहब ने जो बात करी थी मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। चौधरी साहब ने बोला कि साहब इनको अपने लंदन के किसी दोस्त से ये पता लगा कि कपिल देव को ऐसा बोला गया है, यू नो, यानी कि इनकी कपिल देव से बात नहीं हुई, लंदन में चौधरी साहब के किसी दोस्त ने यह बोला कि कपिल देव को मना करा गया है। अगर मना करती भारत सरकार तो सबको मना करती, फिर नवजोत सिंह सिद्धू कैसे चला गया और उसके बाद भी चला गया जब वो बाजवा साहब से गले मिला था, है ना, वो तो उसके बाद 2-3 बार चला गया जी। नहीं सर, वो मैं करतारपुर कॉरिडोर की बात है, इमरान खान साहब जब उनका इनॉग्रेशन था वो अलहदा बात है, मैं 2018 की बात कर रहा हूँ फिलहाल सर। तो 2018 में जब इमरान खान साहब पावर में आए तो यही बात है कि ये थोड़ी सी गलतफहमी भी है, एक मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन भी है कि भारत ने मना कर दिया। भारत मना करता तो क्या नवजोत सिंह सिद्धू के कौन से पर लगे थे, उसको बोलते थे तुम नहीं जाओगे, नहीं जाता नवजोत सिंह सिद्धू, वो कौन सा इतना बड़ा 30 मार्कान बैठा है यहाँ पे, बट किसी को मना नहीं करा। लोग 10 वजूहात होती हैं जिसकी वजह से लोग नहीं जाते, लोगों को ऐसा लगा। दूसरी चीज ये है कि इमरान खान साहब इज वेरी वेलकम टू कॉल ऑन एन इनॉग्रेशन, वो तो खुद अपनी मर्जी से बुलाएंगे ना जिसको बुलाना चाहेंगे इमरान खान साहब, तो ये बात है, ठीक है। दूसरी चीज जो ये कह रहे हैं ना कि बोला कि 300 बंदे मारे और ऐसा कुछ नहीं था और ये सब मीडिया की बातें हैं, ये सब तो ISPR ने जब बुलाया था ना वहां पे फॉरेन मीडिया को, तो 32 दिन के बाद बुलाया था, 32 दिन के बाद ट्वीट उन्होंने 24 घंटे में कर दिया था कि कौवे मार दिए और पेड़ गिरा दिए और भारत ने झूठ बोल दिया और खाली बम ऐसी फेंक दिया और बेकूफ हैं ये अभिनंदन, ये सब दुनिया भर की चीज। लेकिन फॉरेन मीडिया को फॉरन बुलाते ना अगले 24 घंटे के अंदर कि देखो भारत झूठा है, भारत को एक्सपोज करना चाहते हैं, आ जाओ ये देखो सच्चाई, झूठ बोला भारत ने, सामने करते हैं। 32 दिन के बाद फॉरेन मीडिया वहां पे गया, जंगलों में चल के गए वहां पे, और फिर वो तो ठीक है, दैट इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन, भारत ने करा नहीं करा फिर ये बहस हो सकती है ना। अच्छा, आपका सवाल आरजू जी, जो आप, मैं माफी चाहूंगा एक बार जरा आप दोबारा पूछ लीजिए सवाल, आपने क्या पूछा था मुझसे? नहीं, मैं आपसे यही कह रही थी कि चौधरी साहब जैसे कह रहे हैं कि भारत ने साजिश की पाकिस्तान में, तो क्या उसके ऊपर ही मैं पूछ रही थी कि क्या वाकई में ऐसा कुछ हुआ है कि कुछ गड़बड़ भारत की तरफ से पाकिस्तान में की गई?
आरजू जी, दुश्मन का काम होता है साजिश करना। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान हमारे खिलाफ करे, हम आप देखिए, और साजिश के लिए एक जहीन दिमाग चाहिए। कोई बेवकूफ आदमी साजिश थोड़ा ना करेगा, साजिश के लिए दिमाग चाहिए। तो अगर हम ये मानते हैं, जैसे चौधरी साहब भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, ठीक है, नफरतें नहीं होनी चाहिए, आई एग्री विद चौधरी साहब, मैं इनकी बात की इज्जत करता हूं, पर अगर हम मानते हैं कि हम दोनों दुश्मन हैं, फिर पाकिस्तान हमारे खिलाफ करेगा, हम पाकिस्तान के खिलाफ करेंगे साजिश, और क्यों नहीं, क्यों नहीं। मतलब दुश्मनी का तो मतलब ही यह है ना कि जहां हमें मौका मिलेगा। अभी देखिए मैं आपको दो तीन बातें बताता हूं, मैं आपकी शो में एक बार पहले भी बोल चुका हूं जी, ये जो पाकिस्तान में जो इकोनॉमी की हालत खराब है आईएमएफ के चलते, या पाकिस्तान एफएटीएफ में है, ठीक है, ठीक है, पाकिस्तान में पहले से होता रहा है, और मैं खान साहब को भी ब्लेम नहीं करूंगा, पहले से होता रहा है, तो इसमें हर एक पाकिस्तान की जो सरकार है उसका थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। इसमें खान साहब का भी रहा है, नवाज शरीफ का भी रहा है, जरदारी का भी रहा है, शहबाज का, सबका, और मुशर्रफ टाइम से। मुशर्रफ टाइम पे थोड़ा सा स्टेबल मामला था, क्योंकि वहां से डॉलर आ रहे थे, क्योंकि वॉर ऑन टेरर चल रहा था। और जैसा कि मैं कई बार कह चुका हूं, पाकिस्तान की इकोनॉमी, अगर कोई पाकिस्तान का इकोनॉमिस्ट मुझे यह बता दे कि मुशर्रफ साहब के टाइम पे इकोनॉमी क्यों अच्छी थी, क्यों अच्छी थी वो मैं जानता हूं, अयूब खान साहब के टाइम पे अच्छी थी वो मैं जानता हूं, क्यों अच्छी थी ये मुझे लिख के कागज में बता दे, मैं मान जाऊं। बात यह है कि सिएटो सेंटो में जवाब रहेंगे, या फर्स्ट अफगान जिहाद जो हुआ था जब जियाउल हक साहब आपके प्रेसिडेंट थे और मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे, तो डॉलर्स वहां पे आ रहे थे। ऐसा नहीं था कि उस जमाने में पाकिस्तान बहुत जबरदस्त एक्सपोर्ट कर रहा था, और 100 अरब के और 200 अरब के आपके हर साल एक्सपोर्ट जाते थे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पर पाकिस्तान का जो डेट टू जीडीपी रेशियो था वो अच्छा था, पाकिस्तान की इकोनॉमी भारत से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही थी एक जमाने में। ये सच बातें हैं और हमें सच की तरह ही बोलना चाहिए, पर उनके पीछे वजूहात क्या थी। अगर स्ट्रक्चरली एफिशिएंट होती पाकिस्तान की इकोनॉमी, तो आज की तारीख में पाकिस्तान को यह नहीं देखना पड़ता। हाँ ठीक है, करप्शन है, मिसमैनेजमेंट है, ये सब है। ये एक मैं बात बताऊं, पाकिस्तानी अक्सर कहते हैं ना हमारे मुल्क में करप्शन है, क्या इंडिया में नहीं है करप्शन? इंडिया में नहीं है करप्शन, चाइना में नहीं है करप्शन, अमेरिका में नहीं है करप्शन, पाकिस्तान में तो पैसे ही बहुत थोड़े हैं, करप्शन कितना होगा? अच्छा एक और चीज लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट करी, इसलिए सब नवाज शरीफ बड़े अच्छे दोस्त हैं। वो बेचारे के पास पैसा ही नहीं है कुछ, उसके पास 3-4-5 अरब डॉलर हैं, उसी को पता नहीं क्या समझते हैं कि पता नहीं कौन से सुरखाब के पर उसके पास आ गए। यहाँ पे तो 50-50, 100-100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो रही, तब कोई नहीं पूछ रहा। तो ऐसी बात नहीं है। देखिए जहां तक साजिश की बात है, बिल्कुल, तो ये आपका एफएटीएफ की जो बात है, एफएटीएफ की बात, उसमें भारत का बिल्कुल हाथ है, और मैं आपकी शो पे बोल रहा हूं ऑन रिकॉर्ड, जो आपको आईएमएफ से प्रॉब्लम हुई है, और भारत करेगा, और क्यों ना करे। आप लोगों ने नारा दिया, भारत ने कभी मना तो नहीं करा ना कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो देखिए साहब, आप हमें दुख देंगे, हम आपको दुख देंगे, और ये काम चलता रहेगा, ये काम चलता रहेगा। ये लश्कर ए तैयबा है, ये जैश ए मोहम्मद है, ये हिजबुल मुजाहिदीन है, ठीक है, वो एक तरफ आपकी तरफ से है, हमारी तरफ से क्या है? हमारी तरफ से एफएटीएफ है, हमारी तरफ से आईएमएफ है, हमारी तरफ से अमेरिका है, वो चलता रहेगा, ये गेम चलता रहेगा। इसमें ना हमें बुरा मानना चाहिए, ना पाकिस्तानियों को बुरा मानना चाहिए। Thank you for watching. Please don't forget to like, share and subscribe.